हेलो गिग्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क और आज हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सोर एंड एक्सनोर फंक्शन यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। एक्चुअली ये एग्जांपल काफ़ी पॉपुलर एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए न्यूरल नेट के बेसिक्स को समझने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। एक्सनोर के बारे में बात करने से पहले देख लेते हैं कि एक्सोर कैसे काम करता है। एज यू कैन सी हियर, अगर इनपुट्स जीरो एंड ज़ीरो हैं तो आउटपुट विल बी ज़ीरो, एंड जीरो एंड वन तो आउटपुट होगा वन, वन एंड ज़ीरो तो आउटपुट होगा वन, एंड वन वन तो आउटपुट होगा ज़ीरो। कहने का मतलब है कि अगर दोनों इनपुट सेम हैं तो आउटपुट होगा ज़ीरो, जैसे कि ज़ीरो ज़ीरो एंड वन वन। अगर इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट होगा वन। एक्सनोर इज सिंपली नेगेशन ऑफ एक्सोर। इट मीन्स जहाँ पर एक्सोर में ज़ीरो था वहाँ पर एक्सनोर में वन हो जाएगा, और जहाँ पर एक्सोर में वन था वहाँ पर एक्सनोर में ज़ीरो हो जाएगा। एंड दिस इज़ आवर सिग्मोइड फंक्शन। वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज़ दिस फंक्शन इन एवरी न्यूरॉन। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। सिग्मोइड बेसिकली कन्वर्ट्स एवरी नंबर इनटू प्रोबेबिलिटीज, और स्पेसिफिकली अ रियल नंबर बिटवीन ज़ीरो और वन। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिग्मोइड फंक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे सिग्मोइड फंक्शन को तो आपको पता चलेगा कि पाँच या पाँच से बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन ऑलवेज टेंड्स टू वन, एंड माइनस फाइव या उससे छोटा नंबर्स के लिए रिजल्ट ऑलवेज टेंड्स टू ज़ीरो। आई होप यू आर अवेयर ऑफ लॉजिकल और, लॉजिकल एंड एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेशंस। एक्सोर एंड एक्सनोर से पहले कुछ और बेसिक्स न्यूरल नेट देख लेते हैं, जैसे कि लॉजिकल एंड। इस न्यूरल नेट में ये दो इनपुट्स हैं x1 एंड x2। दिस इज द बायस टर्म एंड दिस इज आवर ट्रुथ टेबल ऑफ द लॉजिकल एंड ऑपरेशन। लेट्स से आपका x एंड y वेरिएबल 0 एंड 0 है, तो उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंगली 20 एंड 20। उसके बाद ऐड करेंगे बायस एलिमेंट जो कि है -30। हम इसे सिग्मोइड फंक्शन को फेड कराते हैं तो रिजल्ट आएगा 0। लॉजिकल और। नाउ चेक दिस न्यूरल नेट। यहाँ वेट्स एंड बायस डिफरेंट हैं और उसके साथ इसका रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। कंसिडर x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इक्वल्स टू 1। नाउ मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विद 20 एंड 20 रेस्पेक्टिवली एंड एड बायस विच इज -10। इन दिस केस द फाइनल आउटपुट विल बी 1, जो कि डिजायर्ड भी है। एज यू कैन सी इन द ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल और फंक्शन, 1 एंड 1 गिव्स रिजल्ट 1। नेगेशन ऑफ लॉजिकल और। यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉट ऑफ x1 एंड नॉट ऑफ x2 बोथ आर सेम बिकॉज ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। आई एम श्योर आपने जरूर पढ़ा होगा। यू कैन चेक दिस वन। लेट्स से x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इक्वल्स टू 0। 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -20 एंड 0 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -20 अगेन बिकॉज ऑफ दीज वेट्स -20 and -20 plus 10 which is our bias term, and इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा -10। एंड सिग्मोइड फंक्शन को जब हम ये फेड कराएंगे, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर वैल्यूज प्लस 5 या उससे बड़ी हैं तो वो टेंस टू 1 होती हैं, एंड अगर वैल्यूज -5 या उससे छोटी हैं तो वो टेंस टू 0 होती हैं। यहाँ वैल्यू है -10, सो आंसर विल बी 0। Now the final step, let me tell you, XOR and XNOR cannot be calculated by neural net of zero hidden layers like logical OR, logical AND, and logical negation of OR, because it is slightly complex function. So we will be needing at least one hidden layer to learn this function. Check out this image. This neuron and these arrows are AND function. And this neuron and these arrows in cyan color is our not x1 and not x2 function. And this neuron and these arrows in green are actually our OR function. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारे इनपुट लेयर है, एंड इफ दिस इज आवर आउटपुट लेयर तो बीच की जो लेयर्स होंगी, जो कि एक्चुअली ना तो इनपुट लेयर्स हैं ना ही आउटपुट लेयर्स हैं, उन लेयर्स को हम कहते हैं हिडन लेयर्स।
कहने का मतलब है अगर हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल नगेशन और को हिडन लेयर बना दें एंड लॉजिकल और को आउटपुट लेयर, कीपिंग दी इनपुट लेयर सेम, तो हमारा डिजायर रिजल्ट हमें मिल जाएगा. यू कैन चेक इट आउट. लेट्स से x1 इक्वल्स टू 0 एंड x2 इक्वल्स टू 1, तो XOR का रिजल्ट आना चाहिए 1, बट वी आर कैलकुलेटिंग XNOR, तो रिजल्ट आना चाहिए 0. 0 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 20. वी आर डूइंग एंड ऑपरेशन ऑन आर इनपुट फंक्शंस 20 एंड 20 प्लस माइनस 30 विच इज इक्वल टू माइनस 10, एंड देन वी अप्लाइड सिग्मॉइड फंक्शन and result will be 0 for first activation neuron. Similarly, 0 is multiplied by minus 20 and 1 is multiplied by minus 20 plus our bias term which is 10. So result hoga minus 10, and jab hum ise sigmoid ko fed karayenge to result hoga 0. Yani ki second activation neuron ke liye hamara result hoga 0. Now we have 0 and 0 in both the neurons. We are going to multiply 20 and 20 respectively, and then we'll add minus 10. As you can see, our result will be similar to the previous one, and our final result will be 0.